हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कूलर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस, क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 लीटर। जी हाँ, 100 लीटर मतलब बार बार पानी रिफिल करने से छुटकारा। चलो अब हम बताते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इस कूलर में वी हैव पावर स्विच, स्पीड नॉब, स्विंग एंड कूल नॉब, आइस ट्रे, हनी कॉम पैड्स, लूअर्स, वाटर लेवल इंडिकेटर, कैस्टर व्हील्स, ऑटो फिल प्रोविजन, ऑटो ड्रेन स्विच, कूलिंग कंट्रोल स्विच एंड मॉस्किटो नेट। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फीचर, दिस इज द पावर ऑफ एंड ऑन स्विच। ईजिली वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एंड दिस इज ऑफ। आफ्टर स्विचिंग ऑन द पावर स्विच, आपको यू कैन ईजिली डिसाइड द स्पीड मोड, दैट इज हाई, मीडियम एंड लो। सो हमारे पास वी हैव 3 स्पीड मोड ऑप्शंस। देन वी हैव पंप ऑप्शन एंड पंप एंड स्विंग ऑप्शन। ये बहुत ही आसान है, मतलब फर्स्ट आपको एक पावर ऑन करना पड़ेगा यहाँ से, देन आप फैन की स्पीड सेट कीजिए कि आपको हाई स्पीड चाहिए, मीडियम स्पीड चाहिए, लो स्पीड चाहिए। दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब ऐसा मौसम आता है जब कभी बहुत ठंड लगती है या बहुत गर्मी लगती है। तो अगर बहुत ठंड लग रही है तो यू कैन एडजस्ट द स्पीड टू मीडियम एंड लो लेवल। एंड अगर काफ़ी मतलब समर्स हैं, हार्ड कोर समर्स हैं एंड यू नीड द गुड टेम्परेचर इन योर रूम, तो यू कैन सिलेक्ट हाई। देर इज़ वन वेरी गुड ऑप्शन इन दिस कूलर, दैट इज़ यू कैन स्विच ऑन द पंप आप ऑन कर सकते हो। अगर पंप के साथ साथ आपको आपका रूम अगर काफ़ी बड़ा है एंड यू वॉन्ट कि एयर सर्कुलेशन चारों तरफ हो, सो यू कैन सिलेक्ट पंप एंड स्विंग ऑप्शन। पंप एंड स्विंग ऑप्शन करते ही ये जो आपके लूअर्स दिख रहे हैं, दिस इज़ अ मैनुअल लूअर्स जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो इसके अंदर लूअर्स हैं, जैसे ही आप स्विंग ऑप्शन करोगे तो अंदर वाले रोटेट करते हैं, बाहर वाले जो हैं दैट इज़ मैनुअल वन। उसके बाद ये है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन वाटर इंडिकेटर, क्योंकि काफ़ी कूलर्स में मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये नहीं दिखाता, बट इन दिस कूलर आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसमें वाटर लेवल कितना है। देन वी हैव अ कोस्टर्स। कोस्टर्स ईजिली मतलब इतने हैवी हैं कि आप ईजिली हाफ कूलर अगर आपने फिल कर रखा है या अप्रॉक्स 100 के आसपास आपने फिल कर रखा है, तो ईजिली आपको मतलब इधर उधर मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इन दिस कूलर वी हैव अ टैंक कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स। एयर डिलीवरी जो करता है वो 5500 क्यूबिक मीटर्स में करता है। एयर थ्रो इसका 55 फीट है। पावर 200 वॉट है। वोल्टेज 230 वोल्ट्स एसी है। इसमें ब्लोअर, लाइक आपको पता है कि कूलर्स में दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं फैंस में, एक ब्लोअर होता है और एक फ़ैन होता है। तो इस वाले कूलर में आपको फ़ैन मिलेगा, ब्लोअर नहीं मिलेगा। इसके जो पैड्स हैं, दैट इज़ अ हनी कॉम कूलिंग मीडिया। इसकी एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसमें रिफिलिंग के लिए, आपको मैं कूलर मूव करके दिखाता हूँ, इसमें इन दिस कूलर दिस इज़ अ रिफिलिंग ऑप्शन। इसमें आप इजीली पाइप कनेक्ट कर दीजिए और इसके अंदर ऑप्शन है ऑटोमेटिकली जब ये फिल हो जाएगा
तो जैसे नॉर्मल हमारे टैंक्स में, फ्लश टैंक्स में ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक रिफ़िल हो जाएगा, वन टाइम आप कनेक्ट कर दीजिए तो बार बार आपको रिफ़िल नहीं करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा ड्रेन ऑप्शन, कूलिंग लो एंड हाई। अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर वेदर ठंडा है और आपको कूलिंग या मॉइस्चर कंट्रोल में चाहिए तो आपको यू कैन स्विच द ऑप्शन टू लोअर। और अगर हार्ड कोर समर्स हैं, आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए, देन यू कैन सिलेक्ट हाई ऑप्शन। एंड काफ़ी कूलर्स में ये प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका कूलर भरा हुआ है और आपको अब खाली करना है, तो इसमें मैनुअल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द ड्रेन ऑप्शन। आपने यहाँ पे ड्रेन सिलेक्ट करना है। ड्रेन सिलेक्ट करने के बाद जो ऊपर पंप वाला ऑप्शन है उसमें आपको पंप ऑन करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ से वाटर निकलना शुरू होगा। ये आपको हटाना पड़ेगा। इसके साथ एक सिलेक्शन आती है, एल शेप का मोड होता है, उसके नीचे आप बकेट रख दीजिए। आप यहाँ पे बकेट रख दीजिए तो यहाँ से पानी निकल के उस बकेट में चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर बाहर आपका गैलरी में पड़ा है तो आप इसको सिंपल हटा के यू कैन सिलेक्ट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड लास्ट थिंग, आई एम यूजिंग दिस कूलर फ्रॉम लास्ट 1 month, एंड इफ़ यू आर आस्किंग माई फीडबैक, तो दिस कूलर इज़ रियली वेरी गुड। मैं सीरियसली आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो घरों में मॉस्किटोज़ वगैरह कूलर्स में आ जाते हैं, तो ये एक मॉस्किटो नेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने, जो पैड्स हैं हनीकॉम पैड्स, उसके बाहर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको मतलब वीकली बेसिस पे यू हैव टू क्लीन, क्योंकि जैसे हमारा एसी वगैरह में फ़िल्टर्स और वो होते हैं, तो सिंपल आप इसको क्लीन करके यू कैन यूज़ इट। इसके ऊपर एक आइस चैम्बर है, इसमें आइस चैम्बर में जैसे इसमें ये ऑप्शन होता है, जैसे ही आप पंप ऑन करते हो तो पंप ऑन करने के बाद पानी इसमें आता है। इसके बाद वो चारों जगह होल्स होते हैं जिसमें आप पानी सर्कुलेट होके जाता है, तो इसमें आप आइस चैम्बर में आइस फिल कर सकते हो, जिससे कूलिंग और मतलब आपके रूम की कूलिंग और अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100। सो आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस कूलर। जैसे आपको मतलब कूलर बाय करने से पहले आपके मन में 10 questions आते हैं, तो अगर आपका रूम का साइज़ बड़ा है और आपको एयर सर्कुलेशन अच्छा चाहिए तो क्रॉम्पटन ऑप्टिमस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। इसका एक चीज़ और बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ, जो इसकी फ़ैन की साउंड है वो आपको पता ही नहीं चलेगी। अगर आपका रूम विंडो के बाहर है या आपने डोर के पास लगाया हुआ है और अंदर आप अपने बेड पे और उसमें आप बैठे हो, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि कूलर चल रहा है, तो वेरी वेरी साइलेंट। तो जैसे आपका सीलिंग फ़ैन है, सिर्फ उतनी ही साउंड आती है इसकी। सो ऑन दैट पॉइंट दिस कूलर इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल व्यूज़। सो यू कैन गो फॉर इट, दैट इज़ योर चॉइस। Thank you so much. Thanks for watching this video. Have a great day.